यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब जोशी मठ से बड़ी खबर, जहां पर सैनिटाइज होगा बद्रीनाथ धाम। कल भी आपको बताते हैं कि सैनिटाइजेशन हुआ था और अब ज्योतिश्वर महादेव मंदिर जीएमवीएन भी सैनिटाइज किया जाएगा, ज्योतिर्मठ को भी सैनिटाइज किया गया। और ये सब हो रहा है क्योंकि उमा भारती कोरोना संक्रमित मिली थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वो इस वक्त आइसोलेशन में है, सेल्फ क्वारंटीन में है। और इस बीच में आपको बता दें कि सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है क्योंकि बद्रीनाथ धाम भी गई थी, वो ज्योतिर्मठ भी गई हुई थी और जीएमवीएन की गेस्ट हाउस में होती थी, ज्योतिश्वर महादेव मंदिर भी गई थी, कुछ वक्त वहां पर भी बिताया था। ऐसे में सैनिटाइजेशन किया गया था, बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज किया गया था, कल भी सैनिटाइज किया गया था और फिर सैनिटाइजेशन का एक प्रोसेस चलता रहेगा। तब जोशी मठ से बड़ी खबर, जहां पर सैनिटाइज होगा बद्रीनाथ धाम। कल भी आपको बताते हैं कि सैनिटाइजेशन हुआ था और अब ज्योतिश्वर महादेव मंदिर जीएमवीएन भी सैनिटाइज किया जाएगा, ज्योतिर्मठ को भी सैनिटाइज किया गया। और ये सब हो रहा है क्योंकि उमा भारती कोरोना संक्रमित मिली थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वो इस वक्त आइसोलेशन में है, सेल्फ क्वारंटीन में है। और इस बीच में आपको बता दें कि सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है क्योंकि बद्रीनाथ धाम भी गई थी, वो ज्योतिर्मठ भी गई हुई थी और जीएमवीएन की गेस्ट हाउस में होती थी, ज्योतिश्वर महादेव मंदिर भी गई थी, कुछ वक्त वहां पर भी बिताया था। ऐसे में सैनिटाइजेशन किया गया था, बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज किया गया था, कल भी सैनिटाइज किया गया था और फिर सैनिटाइजेशन का एक प्रोसेस चलता रहेगा। तब जोशी मठ से बड़ी खबर, जहां पर सैनिटाइज होगा बद्रीनाथ धाम। कल भी आपको बताते हैं कि सैनिटाइजेशन हुआ था और अब ज्योतिश्वर महादेव मंदिर जीएमवीएन भी सैनिटाइज किया जाएगा, ज्योतिर्मठ को भी सैनिटाइज किया गया। और ये सब हो रहा है क्योंकि उमा भारती कोरोना संक्रमित मिली थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वो इस वक्त आइसोलेशन में है, सेल्फ क्वारंटीन में है। और इस बीच में आपको बता दें कि सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है क्योंकि बद्रीनाथ धाम भी गई थी, वो ज्योतिर्मठ भी गई हुई थी और जीएमवीएन की गेस्ट हाउस में होती थी, ज्योतिश्वर महादेव मंदिर भी गई थी, कुछ वक्त वहां पर भी बिताया था। ऐसे में सैनिटाइजेशन किया गया था, बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज किया गया था, कल भी सैनिटाइज किया गया था और फिर सैनिटाइजेशन का एक प्रोसेस चलता रहेगा। तब जोशी मठ से बड़ी खबर, जहां पर सैनिटाइज होगा बद्रीनाथ धाम। कल भी आपको बताते हैं कि सैनिटाइजेशन हुआ था और अब ज्योतिश्वर महादेव मंदिर जीएमवीएन भी सैनिटाइज किया जाएगा, ज्योतिर्मठ को भी सैनिटाइज किया गया। और ये सब हो रहा है क्योंकि उमा भारती कोरोना संक्रमित मिली थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वो इस वक्त आइसोलेशन में है, सेल्फ क्वारंटीन में है। और इस बीच में आपको बता दें कि सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है क्योंकि बद्रीनाथ धाम भी गई थी, वो ज्योतिर्मठ भी गई हुई थी और जीएमवीएन की गेस्ट हाउस में होती थी, ज्योतिश्वर महादेव मंदिर भी गई थी, कुछ वक्त वहां पर भी बिताया था। ऐसे में सैनिटाइजेशन किया गया था, बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज किया गया था, कल भी सैनिटाइज किया गया था और फिर सैनिटाइजेशन का एक प्रोसेस चलता रहेगा।